नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के अलावा ब्राह्मण, गाय, श्वान और कौवे को भोजन दिया जाता है। गाय में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए वो अत्यंत पवित्र और पूजनीय होती हैं। श्वान और कौवे को पितर का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें ग्रास देने का विधान है। भारत के अलावा दूसरे देशों की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौवे को महत्व दिया गया है। प्राचीन समय से एक धारणा चली आ रही है कि यदि कौवा आंगन में आकर काव काव करे तो घर में जल्द ही कोई मेहमान आता है। गरुड़ पुराण में बताया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं, इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। धर्मशास्त्र श्राद्ध परिजात में वर्णन है कि पितृपक्ष में गौग्रास के साथ काग बलि प्रदान करने की मान्यता है। इसके बिना तर्पण अधूरा है। मृत्यु लोक के प्राणी द्वारा काग बलि के तौर पर कौवों को दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जब तक यमराज रहेंगे तब तक कौवे का विनाश नहीं हो सकता। कौवा यम स्वरूप है, वह यमराज का पुत्र एवं शनि देव का वाहक है। उसके आदेश से देह त्यागने के बाद लोग स्वर्ग और नरक में जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के काम भुसुंडी में यह वर्णन मिलता है। उल्लेख है कि कौवा एक ब्राह्मण है, वह गुरु के अपमान के कारण श्रापित हो गया था। तब मुनि के शाप से वह चांडाल पक्षी कौवा हो गया। इसके बावजूद वह भगवान श्री राम का स्मरण करता रहा। श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग का उल्लेख है। यमराज से काग भुसुंडी को दूर प्रस्थान दिव्य टेलीपैथी का गुण हासिल है। वह किसी भी शुभ अशुभ की पूर्व सूचना सबसे पहले दे देता है। श्राद्ध परिजात में वर्णन है कि यमराज अपने पुत्र कौवे के द्वारा मृत्यु लोक के शुभ एवं अशुभ संदेश को प्राप्त करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से कौवा पितरों की कृपा का शुभ संकेत देता है। यदि घर के आसपास आपको कौवा चोंच में फूल पत्ती लेकर बैठा दिखे तो मनोरथ की सिद्धि होती है। अगर कौवा गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता दिखे तो उत्तम भोजन मिलता है। अगर कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाता दिखे तो धन लाभ होता है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो भी धन लाभ होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।